हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली एवरी मैकलॉड और मैकार्टी का प्रिंसिपल क्या, एवरी मैकलॉड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आपको बता दें, हम हमारे लास्ट वीडियो में बेसिक ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डीएनए की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी की थी कि डीएनए कैसे बनता है, कितने कितने डिफरेंसेज होते हैं, उसके हेलिक्स का टर्न कैसा होता है। ओवरऑल हमने सब कुछ डिटेल में स्टडी किया था। सेकंड हमारा बेस्ड था बेसिकली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे, कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था और ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया था। आपको बता दें, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे ही आगे कंटिन्यू करते हुए एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को यूज़ किया था, उसके दो स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन वो स्ट्रेन था जो कैसा था, ए वायरुलेंट स्ट्रेन था। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन कैसा था, ए वायरुलेंट स्ट्रेन था, और एस स्ट्रेन था वायरुलेंट स्ट्रेन जो निमोनिया कॉज करता था, किस जिस भी होस्ट में एंटर करेगा उसमें निमोनिया कॉज करेगा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब इस एस स्ट्रेन को, जिसकी स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी थी, इस एस स्ट्रेन को जब आप हीट किल्ड कर देते हो और उसको किसी लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करते हो, तो ये आर स्ट्रेन भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस स्ट्रेन में। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन में, तो ये आर स्ट्रेन का कन्वर्जन किसमें क्या हो गया, एस स्ट्रेन में। तब ग्रिफिथ ने 1928 में ये कंक्लूड किया था कि डेफिनेटली जो हीट किल एस स्ट्रेन है, उससे कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होकर आर स्ट्रेन में गया और उसने उस लाइव आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, ए वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है। बट ग्रिफिथ ये नहीं पता लगा पाए कि वो क्या ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो मटेरियल क्या था बेसिकली, वो ये पता नहीं लगा पाए थे कि वो मटेरियल था क्या। मे बी वो मटेरियल हो सकता है, कुछ साइंटिस्ट ने किया कि हो सकता है वो मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, कुछ ने कहा हो सकता है वो मटेरियल लिपिड ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ अदर साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उन्होंने कहा हो सकता है वो आरएनए हो, क्योंकि एक बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, आरएनए होगा, उसका डीएनए होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सब कुछ प्रेजेंट है, तो डीएनए हो सकता है ये मटेरियल ट्रांसफॉर्म, इनमें से कोई एक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ हो। बट कैसे कंक्लूड करेंगे कि इनमें से कोई एक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। इसको ग्रिफिथ ने कंक्लूड नहीं किया था, ग्रिफिथ ने केवल ये कह दिया था कि ए वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए कोई मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट वो मटेरियल क्या है वो ग्रिफिथ ने कंक्लूड नहीं किया। उसको करने के लिए एवरी मैकलॉड और मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा, उन्होंने कैसे कंक्लूड किया। अब कंक्लूड करने का एक ही तरीका है, या तो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, या आरएनए ट्रांसफर हो रहा होगा, कुछ ने कहा लिपिड ट्रांसफर हो रहा होगा, कुछ ने कहा डीएनए ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कैसे, आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि क्या ट्रांसफर हुआ है, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने, कि एक एक को करके डिस्ट्रॉय करते हैं, एक एक को यदि हम डिस्ट्रॉय करेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा माइंड थॉट क्या होता है, आप एक एक चीज को डिस्ट्रॉय करो और देखो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या स्मूथ कॉलोनीज आपको मिल रही है, या आप कह सकते हैं कि माइस डेड कंडीशन में या लाइव कंडीशन में। यदि ट्रांसफॉर्म हुआ है तो माइस किस कंडीशन में होगा, माइस की डेथ हो जाएगी, और यदि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो माइस की डेथ नहीं होगी, या कह सकते हैं वो लाइव कंडीशन में होगा। यदि प्रोटीन ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, तो यदि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो माइस लाइव कंडीशन में रहेगा। यदि आरएनए ट्रांसफर हुआ होगा और आपने एस स्ट्रेन में से आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो माइस कैसा होगा, लाइव कंडीशन में होगा। यदि लिपिड ट्रांसफर हुआ होगा और लिपिड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब लिपिड एज ए जेनेटिक मटेरियल है। और यदि डीएनए ट्रांसफर हुआ होगा और आपने डीएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डीएनए अगर फिर भी आपको स्मूथ कॉलोनीज मिल रही है या माइस लाइव कंडीशन में है आपका बेसिकली, तो वो किस क्या होगा, आपका बेसिकली डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। अब उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया उसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की एनालिसिस की। माइस में से हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले जो माइस था उसमें से क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उसकी ब्लड सैंपल को लिया, उसकी एनालिटिक और उसके एनालिसिस की। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया इस एनालिसिस में,
हीट किल्ड एस स्ट्रेन में सबसे पहले उन्होंने ट्रीट कराया इसको किससे, प्रोटीनेज से। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने किससे ट्रीट करा दिया, प्रोटीनेज से। प्रोटीनेज एंजाइम है मतलब वो एंजाइम है जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और यदि प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो गए, यदि प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल था और प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाती तो फिर हमें कल्चर प्लेट पे अब स्मूथ कॉलोनीज नहीं मिलनी थी। ठीक है, कल्चर प्लेट पे कैसी रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन होना था जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन की एनालिसिस की और इसके मिक्सचर को किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ रिएक्ट किया और आपके पास क्या, उसके प्रोटीनेज से ट्रीट कराया इसको। सबसे पहले प्रोटीनेज से ट्रीट कराया, देन फिर उसमें आर स्ट्रेन डाला। यदि हमें कल्चर प्लेट पे कैसी कॉलोनी मिल रही है, स्मूथ कॉलोनीज मिल रही है, मतलब एस स्ट्रेन प्रेजेंट है कल्चर प्लेट पे, एस स्ट्रेन की वाली कॉलोनी मिल रही है, मतलब अभी माइस कैसी कंडीशन में, माइस की डेथ हो चुकी है, माइस की डेथ है क्योंकि एस स्ट्रेन मिल गया, मतलब आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया है, एस स्ट्रेन में। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बिल्कुल पूछिए। सबसे फर्स्ट क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस की, ब्लड सैंपल निकाल के और उसे प्रोटीनेस से नेक्स्ट स्टेप में प्रोटीनेस से ट्रीट कराया। ठीक है, प्रोटीनेस से ट्रीट कराने के बाद जितना भी एस स्ट्रेन है उसमें जितना भी प्रोटीन मटेरियल था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आर स्ट्रेन को उसे रिएक्ट कराया, लाइव आर स्ट्रेन था ये, ठीक है, लाइव आर स्ट्रेन था। कल्चर प्लेट पे उन्होंने उन्हें एस स्ट्रेन की बैक्टीरियल ग्रोथ मिली, मतलब जिसमें स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रेजेंट थी जो वायरुलेंट होता है उसकी ग्रोथ मिली है। मतलब आप कह सकते हैं इसको अगर आप किसी माइस में इंजेक्ट करोगे तो उस माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो गई थी। मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं था, कुछ और ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, क्योंकि यदि प्रोटीन ट्रांसफॉर्म हुआ था तो प्रोटीन को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम ऐसे उन्होंने अलग अलग स्टेप ली, वापिस एनालिसिस की, प्लस उसमें क्या डाला, लिपिड लाइपेज एंजाइम डाला। लाइपेज एंजाइम ने क्या किया, जितना भी उसमें लिपिड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, लिपिड की हाइड्रोलिसिस हो गई, लिपिड डिस्ट्रॉय हो गया। अब उन्होंने कल्चर प्लेट पे देखा तो उन्होंने उन्हें वापस से क्या हुआ, स्मूथ कॉलोनीज मिली, एस स्ट्रेन वाली कॉलोनीज, एस स्ट्रेन की कॉलोनीज मिली। तब उन्हें आइडेंटिफाइड इस कंडीशन में वापस माइस की क्या हो गई, डेथ। मतलब आप समझ सकते हो यदि लिपिड ट्रांसफॉर्म हुआ होता तो लिपिड को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर लिपिड ट्रांसफॉर्म होना ही नहीं था, लेकिन लिपिड ट्रांसफॉर्म हुआ है जिसने लाइव आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन या वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, तभी तो हमें बैक्टीरियल कॉलोनी कल्चर प्लेट पे कैसी मिली है, स्मूथ कॉलोनीज मिली है। ठीक है, और माइस को में जब इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। मतलब डेफिनेटली लिपिड भी एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि लिपिड को तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर चुके थे। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या डाला, आरएनएज डाला। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, जितना भी आरएनए होगा हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जितना भी आरएनएज होगा उसको सबको आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, आरएनएज एंजाइम है। आरएनए का डिग्रेडेशन हो गया, आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में वापस कल्चर प्लेट पे उन्हें क्या मिला, कल्चर प्लेट पे वापस से उन्हें स्मूथ कॉलोनीज मिली। उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें वापस स्मूथ कॉलोनीज मिली कल्चर प्लेट पे। स्मूथ कॉलोनीज किसके कारण थी, स्ट्रेन के कारण। और जब उन्होंने इसको मिक्सचर को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की वापस क्या हो गई, डेथ। तो जिन साइंटिस्ट ने यह कहा था कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा उनका कंसेप्ट भी गलत हो गया, क्यों, यदि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता तो आरएनए को तो आप आरएनए एंजाइम से कंप्लीटली डिग्रेड करा चुके हो, अब आपको बैक्टीरियल कल्चर प्लेट पे स्मूथ कॉलोनी फिर क्यों मिल रही है, आरएनए तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं होगा यदि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था तो फिर आपको कल्चर प्लेट पे स्मूथ कॉलोनीज वाली बैक्टीरियल ग्रोथ क्यों मिल रही है। यदि ये बैक्टीरियल ग्रोथ मिल रही है मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, उसने लाइव आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं किया था, एस स्ट्रेन वापस से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि उसमें निमोनिया कॉज हो गया, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाया उसका इम्यून सिस्टम और क्या हो गया, उस माइस की डेथ हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या डाला, लास्ट में डीएनएस को यूज किया, डीएनएस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है आपका, उसके अगेंस्ट डीएनएस एंजाइम। डीएनएस एंजाइम क्या करेगा, डीएनए का ब्रेकडाउन करा देगा, ठीक है, डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करा देगा। ये उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि अब कल्चर प्लेट पे हमें स्मूथ कॉलोनी फाइंड आउट नहीं हुई, कल्चर प्लेट पे कैसी मिली हमें, रफ कॉलोनी फाइंड आउट हुई है कल्चर प्लेट पे, स्मूथ कॉलोनीज फाइंड आउट नहीं हुई, मतलब उसके ऊपर म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोई लेयर नहीं मिली है आपको, कैप्सुलेटेड नहीं है वो कॉलोनी, वो आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी, मतलब आर एस स्ट्रेन से कुछ भी आर स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं हुआ,
मतलब उसने आर स्ट्रेन को किसमें कन्वर्ट नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आर स्ट्रेन एज इट इज मिला है। जब इस मिक्सचर को हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस कैसा था, लाइव कंडीशन में था। माइस लाइव कंडीशन में था, इट मीन्स इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो मटेरियल एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है वो डीएनए था। वो क्या था बेसिकली, डीएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड था। क्यों, तभी तो डीएनए डिग्रेड हो गया। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, लाइव आर स्ट्रेन की स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वायरुलेंट नहीं हुआ, उसने निमोनिया कॉज नहीं किया, और माइस कैसे कंडीशन में था, लाइव कंडीशन में था। तो आई होप बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकलोड मैकार्टी का। अराउंड 1944 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, 1928 में आपको पता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था, और उसके बाद एवरी मैकलोड मैकार्टी ने 1944 में एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो होता है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइव आर स्ट्रेन में, जिससे वो आर स्ट्रेन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, एस स्ट्रेन में। मतलब एक ए वायरुलेंट स्ट्रेन किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, वायरुलेंट स्ट्रेन में। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कहीं पर भी आपको यदि डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।